क्या बिना नमाज के रोजा कबूल होता है? क्या रोजे की हालत में नमाज नहीं पढ़ने से जो है नमाज का गुनाह मिलेगा और रोजे का सवाब मिलेगा? कई लोगों का ऐसा सोचना है और कई लोग ऐसा करते भी है। अफसोस, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम रोजा रह जाएंगे, रोजे का अजहर मिलेगा और नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा रोजा कबूल हो जाएगा। तो उनको ये जानना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की हदीस, सही मुस्लिम हदीस नंबर 82 में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने कहा है कि इंसान को मुशरिक और मुसलमान में फर्क करने वाली चीज क्या है? वो है नमाज। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज तर्क कर देता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने ये इंडिकेशन दिया है कि वो मुशरिकित बन जाएगा। आपको रोजे में अच्छे अखलाक को आपको अदा करना है और वो हर काम करना है जो अल्लाह सुभान व तआला ने रमजान में फर्ज करार दिया है। तो रोजे में नमाज नहीं पढ़ने से नमाज नहीं पढ़ने का गुनाह भी मिलेगा और रोजा काबिले कबूल नहीं होगा। रमजान में रोजेदार जब अजान का इंतजार करता है तो अल्लाह ताला शैतान से कहता है कि देख, तू कहता था ना मेरा बंदा नाफरमान है, अब जब तक मेरी आवाज इसके कानों तक नहीं पहुंचेगी ये लुकमा अपने मुंह में नहीं डालेगा। اف ادر گناہ اللہ اللہ عالمین بادشاہ بیٹا یہ الگ سے کیوں نکال لئے ہو آپ کس لیے ارے ہمارے پڑوس میں نا ان کے پاس روزہ افطارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا تھا اس لیے میں ان کے لیے یہ سب لے کے جا رہی ہوں اچھا دنیا میں مجھے تم نے घर अपना बनाया है महशर में भी कह देना महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना इंदल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोजतन फीहन नबीयल मोहतरम भाई अल्लाह को किसने पैदा किया? قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد तो शोहर पहले नमाज पढ़ रहा था, अब साथ मुसल्ला बिछा के बीवी भी नमाज पढ़ने लग जाती है। हदीस में आता है जब ये दोनों नमाज पढ़ रहे होते हैं रब मुस्कुरा रहा होता है अपनी शान के मुताबिक। कच्ची थी आस की डोरी एक पल में टूट गई है ये निर्गुण होना रे सुनो आज खाना थोड़ा ज्यादा बना देना कुछ मेहमान आने वाले हैं। ठीक है साहब खाना बन गया मैं जा रही हूँ। वो जो आज लोग आने वाले थे उनका प्लान तो कैंसिल हो गया है और इतना सारा खाना मैं तो अकेले खा नहीं पाऊंगा तो जो एक्स्ट्रा खाना है वो तुम लेती जाओ। गरीब के बच्चे भी खाना खा सके त्योहारों में इसलिए भगवान खुद बिक जाते हैं बाजारों में। तो चलो हम भी अपना फर्ज निभाते हैं। साहिबा हमें किसने पैदा किया? अल्लाह ने। हमें खाने को कौन देता है? अल्लाह। हमें पैदा किसने किया? अल्लाह ने। दुनिया को किसने बनाया? अल्लाह ने। और नमाज कितने टाइम की होती है? 5। रोजे कितने होते हैं? 30। और दीन क्या है? इस्लाम। और कुरान क्या है? ईमान। और पहला कलमा? तैयब। तैयब अकेला हम अल्लाह दोनों में शायद समीर के सवाल के सवाल के रमजान आ गया अगर आपके घर में फ्रिज है
और कपड़े रखने के लिए अलमारी है और सोने के लिए बेड है और सर के ऊपर आपके छत है, तो मुबारक हो, आप दुनिया के 74% लोगों से ज्यादा अमीर हैं। हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना सीखो। सजाते सजाते मेरे आका आओ के मुंडा छुए हैं, मेरा ये ईमान ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा ये कोई हंसी है। अभी दा प्यारा अली नूर अला नूर, अली दा है अल्लाह अल्लाह का बेच जुहूर। रूठना हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो की सुन्नत है और मनाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। इबादत का सौदा अंधेरे अंधेरे मुनाफा कमाया सवेरे सवेरे, इबादत का सौदा अंधेरे अंधेरे। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, तू जदा मैं रजा तू पूजा मन पूजा। मम्मी खाना। हाँ लेके आई। मम्मी जी इफ्तारी बन गई क्या? लाई। मम्मी खाना दो ना यार। हाँ बेटा लेके आई। तो हम लोगों ने डॉक्टर्स को थैंक्स बोला, हम लोगों ने पुलिस को थैंक्स बोला, हम लोगों ने क्लीनर्स को थैंक्स बोला, बट हम उन्हें तो थैंक्स बोलना भूल गए जो उन लोगों को भी खाना खिलाते हैं, उनके लिए भी डबल डबल टाइम पे अब खाना बन रहा है। पहले हम लोग भी सिर्फ एक टाइम दो टाइम खा के बाहर से ऑर्डर करते थे, अब तो हम हर आधे घंटे में खाना दो। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपनी मम्मीज़ को और मैं अपनी मम्मी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हमें छुट्टी मिली बट उनको 3, 4, 5, 6 टाइम्स उनकी जॉब हो गई, तो थैंक यू मम्मी। भेजा है जन्नत से तुझको रब ने, चूमा है तुझको खुद मुस्तफा ने, ए संग अस्वद तेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाह। भाई अजान का वक्त हो रहा है, क्या मैं आपके घर में नमाज पढ़ सकता हूँ? राम भैया। अरे क्या हुआ भाई? भाई यार आप तो हिंदू हो। अरे तो क्या हुआ यार? ऐसी कोई बात नहीं, हम सब एक हैं, आप नमाज पढ़ सकते हो। दुनिया बनाई मैंने। दुनिया में पख्तून ही वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मजहब नहीं। अगर पख्तून से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पख्तून, तो जवाब होगा कि मैं 5000 साल से पख्तून हूँ और 1400 साल पहले मुसलमान हूँ। عف ادر گناہ اللہ اللہ عالمین پادشاہ اللہ اللہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بدلا دو تو دشمن بھی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے